सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। जैसा कि तुमने थंबनेल और टाइटल देखा है, आखिर जुनेसा क्यों वानो आ रही है, इस सवाल का जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिलेगा। पर उससे पहले इस वीडियो का 50% क्रेडिट जाता है लॉर्ड ऑफ हरामी को। प्लस अगर तुमको नहीं मालूम कि वो कौन है, तो बस तुम इतना जान लो कि मेरे बहुत सारे काम में वो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये जो तुम्हें मेरे चैनल पे रेगुलर वीडियोस देखने को मिलती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हिस्सा उसको भी जाता है। और हाँ, अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो नेक्स्ट टाइम से, मैं बोलना तो नहीं चाहता था पर फिर भी बोल देता हूँ, किल नहीं चुराऊंगा तेरा, खुश। जैसा कि तुम सबको मालूम है, मेरे पिछले वीडियो का थ्योरी गलत साबित हो गया। वो शैडो और किसी का नहीं, जुनेसा का था। थ्योरी के गलत होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड थ्योरीज एंजॉयमेंट के लिए ही होती हैं। और मेरे बहुत सारे थ्योरीज जहां गलत साबित हुए हैं, वही मेरे बहुत सारे थ्योरीज यार सही भी निकले हैं। खैर, दोबारा टॉपिक पर आते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है आखिर क्यों जुनेसा वानो कंट्री की तरफ आ चुकी है, वो भी अचानक से? मालूम है 90% लॉन्डो ने ये सोचा ही नहीं होगा, पर सोच के देखो, इसका उसी टाइम पे वानो पहुंचना जब मरीन वहां पहुंचने वाली है। क्या लगता है ये कोई कोइंसिडेंस है? मुझे नहीं लगता। सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो। उससे पहले जुनेसा के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता। बहुत सारे जो मिथ्स फैले हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे थ्योरीज जो इसको लेकर के बने हैं, जिस वजह से बहुत ज्यादा यार मिथ्स वन पीस फैंस के बीच में है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर कुछ जो तुम्हारे गलत थ्योरीज है, कुछ जो गलत धारणाएं इसको लेकर के बनी हुई है, उन सबको मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले तो ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस हाथी को किसी ने श्राप दिया, जिस वजह से वो एनी टाइम चलते रहती है, या फिर कोई कर्स वाला लफड़ा है। तो सुनो सभी, जुनेसा ऐसे ही अंधों की तरह नहीं चलती है, उसका एक डेस्टिनेशन है। प्लस जिस किसी को भी ये लग रहा है ये श्राप दिया गया है या फिर कर्स वाला लफड़ा चल रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज वन पीस के वर्ल्ड में किसी तरह का जादू टोना, श्राप, कर्स ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि एट द एंड हमें सभी का कोई ना कोई रीजन हमें दिया ही गया है। जैसे हाल ही के मांगा चैप्टर 1033 में ये रिवील हुआ कि आखिर जो कर्स स्वॉर्ड होते हैं उनको कर्स्ड क्यों कहा जाता है। इनमें किसी तरह का जादू टोना नहीं होता है, ये स्वॉर्ड्स बस स्ट्रॉन्ग विल वाले स्वॉर्ड्समैन की तलाश कर रहे होते हैं। अब इसमें मैं कभी और डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल के लिए टॉपिक पे आते हैं। आखिर जुनेसा ही क्यों वानो जा रही है? क्या वानो ही उसका लास्ट डेस्टिनेशन है? तो ऐसा नहीं है, वानो तो इसका डेस्टिनेशन हरगिज नहीं हो सकता। जैसा कि तुम सब जानते हो, ये हाथी पिछले सैकड़ों सालों से ऐसे ही चल रही है। प्लस वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इसको वर्ल्ड सेंचुरी के बाद से कभी स्पॉट ही नहीं किया, क्योंकि ये हर वक्त चलता रहता है। ऊपर से तुम्हें यहाँ जाने के लिए चाहिए वीवरे कार्ड, और मेरे हिसाब से अगर तुम मेरे से पूछो कि सबसे सेफ आइलैंड कौन सा है, तो मेरे हिसाब से होगा ज़ोउ आइलैंड, क्योंकि यहाँ पर जाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो तुम ही सोचो ना यार, जो हाथी इतने सालों से चल रही है उसको वानो पहुंचने में कितना देर लगता? एकदम धीरे धीरे भी अगर हम लोग हिसाब लगाएं तो 100 साल से ज्यादा तो लग ही नहीं सकता। तो अब ऐसा क्या हो गया कि ये वानो की तरफ बढ़ने लगी? वन पीस का मांगा चैप्टर 1015 का पेज नंबर 12 खोलो। जब लूफी काइडो से पीटने के बाद समुन्दर में वो गिर जाता है, तो वो वहां पर अनकॉन्सियसली वॉइस ऑफ ऑल थिंग को यूज करता है और मोमोनोस्के से कहता है, मोमो लेट एवरीबॉडी नो आई एम स्टिल गोना बीट काइडो। हाँ, वो बात अलग है कि लूफी उसे अनकॉन्सियसली ही यूज कर पा रहा था। अब देखो, मेरा क्या मानना है, एलिफेंट के कान बड़े होते हैं, प्लस जुनेसा का साइज तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ऊपर से ये बहुत सारे दूर के जगहों के साउंड्स को भी सुन सकती होगी, इसमें कोई शक नहीं है साइज बड़ा और कान बड़ा होने के वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है जब लूफी ने वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स को यूज किया, उसे मोमोनोस्के ने सुन लिया, तो ऑब्वियसली बात है मुझे ऐसा लगता है कि जुनेसा ने भी सुन लिया होगा, और वो सुनने के बाद वो अट्रैक्ट हो करके वानो की तरफ बढ़ने लगी। वीडियो खत्म नहीं हुआ, तुम्हारे यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल उठ सकते हैं जिनका जवाब देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसे ये वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स है क्या? और हाँ, कुछ लोग ये भी बोलेंगे, मार्को ने तो पहले ही शैडो को देखा था जब लूफी वर्सेस काइडो की फाइट स्टार्ट ही नहीं हुई थी, तो फिर यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है कि जुनेसा लूफी के वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स को सुनने के बाद अट्रैक्ट होके आ सके? क्योंकि वो अगर ऐसा ही सीन है तो वो पहले ही आ जाती। तो यहाँ पर मैं तुम्हारा डाउट क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ।
पहले हम मार्को वाला ही बात करते हैं। मार्को मांगा के ऑफिशियल चैप्टर में कहता है, आई स्पॉटेड ए स्ट्रेंज शैडो एट सी अर्लियर। अरे हाँ, कल मेरा एक सब्सक्राइबर ने ये भी पूछा था, भाई एनिमे में मार्को स्ट्रेंज समथिंग कहता है। देखो ये चीज होना ही था, बिकॉज हमारे यहाँ मांगा ऑफिशियली आता है सोनन जंप में, बट एनिमे नहीं आता, सभी पायरेटेड करके ही देखते हैं। बट अगर तुम ऑफिशियल ट्रांसलेशन में देखोगे तो वो शैडो ही बोलता है। फन एनिमेशन या क्रंची रोल यूजर्स को ये बात मालूम होगा। आई होप तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा। हाँ तो सीधे हम लोग मार्को पे आते हैं। मेरी इस वाली थ्योरी के हिसाब से मार्को ने जिस शैडो को देखा था वो जुनेसा का था ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है वो ये वाला शैडो था जिसने आकाजाया 9 को हील किया था। प्लस वहाँ मार्को लास्ट में कहता है आई एम गोइंग टू चेक इट आउट, और फिर वो जाके पक्का उसे खोजा होगा। ऊपर से वो खोज भी लिया होगा, वो जान गया होगा ये शैडो कौन है। मैं ये चीज तो नहीं जानता कि आखिर ये शैडो के पीछे का राज कौन है, ये कौन है जिसने आकाजाया 9 को हील किया। पर एक चीज को लेकर मैं 100% श्योर हूँ कि ये आकाजाया 9 का सपोर्ट में ही है। प्लस तुम कुछ और चीजों पे भी गौर करो, मार्को उसके बाद हमें सीधे बिग बॉम के सामने मिलता है। वो उस पर्टिकुलर टाइम के बीच में उस शैडो का आइडेंटिटी मालूम किया, और फिर जब वो मालूम पड़ने के बाद कि वो शैडो अपने ही साइड का है, वो जब दोबारा फाइट के लिए ओनिगासिमा के अंदर घुस रहा था तो उसको रास्ते में मिल गई बिग मॉम और प्रेस पैरो। अब वहाँ पर लीलिन कैसे करके आई, तुम्हें मालूम है जिनबे और रॉबिन ने किस तरह से उसे लुड़का करके बाहर फेंक दिया था, और मार्को गेट में से घुस रहा होगा और वहीं पर रास्ते में उसको लीलिन मिल गई होगी। अब देखो मार्को का वहां से निकलना और गेट के अंदर से घुसने का टाइम, इन दोनों के बीच में वो कहां पर था, ये चीज हमें नहीं दिखाया गया, क्योंकि वो शैडो से मिला या नहीं मिला ये अभी तक मिस्ट्री बना हुआ है। पर अगर तुम मेरे हिसाब से जाओ तो वो पक्का उस शैडो से जरूर मिला होगा। यहाँ पर कोई समझदार लोग आ सकते हैं जो मांगा को सही से रीड नहीं करते, वो आके कमेंट में ज्ञान देंगे, अबे वो कांजीरो ने ओडेन का ड्राइंग बनाया था वही है वो। ऐसा नहीं है, बिकॉज कांजीरो आके उन्हें हील क्यों करेगा, वो उन्हें अधमरे हालत में ही मार देता। अब देखो मुझे क्या लगता है, जब लो ने उन्हें ऊपर से नीचे की ओर टेलीपोर्ट किया उस वक्त उस मिस्टीरियस शैडो ने आके उन्हें हील किया, और फिर जब कांजीरो वहां पहुंचने ही वाला था तो वो वहां से भाग गई या फिर भाग गया। अभी तक वो मेल है या फीमेल अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। ऊपर से तुम ये भी देखो, मार्को ने वहां पर शैडो बोला था, जायंट शैडो नहीं। आई होप कि तुमको यहां का लफड़ा समझ में आ गया होगा। ये वाला लफड़ा खत्म, चलो हम लोग अब वॉइस ऑफ ऑल थिंग पे आते हैं। अभी तक ओडा ने हमें कभी भी क्लियरली ये नहीं बताया है कि वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स है क्या। बस इतना जान लो ये कॉन्करर हॉकी से भी ज्यादा रेयर है। रॉजर के क्रू में सिर्फ रॉजर और ओडेन ही ऐसे दो कैरेक्टर्स थे जो इस वॉइस को सुन सकते थे। मतलब यहाँ पर एक और चीज तो हमें मालूम पड़ जाता है, कॉन्करर हॉकी हो या ना हो ये बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना रैली जैसा लेजेंड वो कैसे नहीं सुन पाता। और ये चीज काइडो के पास भी नहीं है, पर अपने लूफी के पास है, और जुनेसा इस वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स की आवाज को सुन सकती है। शायद इतने सारे पॉइंट्स काफी होंगे कि तुम मेरी बात पे एग्री कर सको। एट द एंड ये भी एक थ्योरी वीडियो ही है। साथ ही साथ अगर तुमको ये वाला वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को लाइक मारना मत भूलना। और हाँ, अगर तुमको नहीं मालूम कि इस चैनल पे क्या चलता है तो यहाँ पर आते हैं वन पीस रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस पे, तो इस वजह से अगर तुम एक वन पीस फैन हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।